हेलो फ्रेंड्स, आज है 15 जून 2024 और 15 जून 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो उनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है, ऑप्शन बी राइट होगा, 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस सामाजिक परिवर्तन, समाज सामुदायिक स्वास्थ्य और शांति और समझ को बढ़ावा देने के लिए खेल की शक्ति का एक वार्षिक उत्सव है। 23 अगस्त 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बनाया गया था पहली बार, ठीक है ना। अब बात है इम्पोर्टेंट डे की, तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट डे जून का क्या है, 1 जून को मनाया गया है विश्व दुग्ध दिवस, 2 जून को मनाया गया है तेलंगाना स्थापना दिवस, 3 जून को मनाया गया है विश्व साइकिल दिवस, 4 जून को मनाया गया है आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 जून को मनाया गया है विश्व पर्यावरण दिवस, 6 जून को मनाया गया है संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस, 7 जून को मनाया गया है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को मनाया गया है विश्व महासागर दिवस और 9 जून को मनाया गया है विश्व प्रत्यानंद दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस। दो इंपॉर्टेंट डे 9 जून को मनाए गए हैं। अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन CCI के सचिव नियुक्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट होगा, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा जो CCI के सचिव नियुक्त हुए हैं। CCI का फुल फॉर्म क्या होता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिस्पर्धता आयोग होता है CCI, और इसके नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में UN के बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, इज़राइल देश को जोड़ा गया है। अब बात है इज़राइल की, तो ये है मैप में इज़राइल। इज़राइल की कैपिटल क्या है, जेरूसलम। प्राइम मिनिस्टर कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। करेंसी की बात करेंगे तो इज़राइल न्यू सेकल यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, चौथा क्वेश्चन क्या है, सुहेलावा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य बनेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य बनेगा सुहेलावा वन्यजीव अभ्यारण्य। अब बात उत्तर प्रदेश की, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ है उत्तर प्रदेश की कैपिटल। CM कौन है, योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 5वां क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसने अपना 6ठा ATP चैलेंज टेनिस खिताब जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, सुमित नागपाल। ये हैं सुमित नागपाल, जो कि भारतीय टेनिस। सुमित नागपाल ने जर्मनी में प्रतिष्ठित हेलब्रॉन नेकर कप 2024 ATP चैलेंजर्स टेनिस टूर्नामेंट जीतकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि नागपाल के 6ठे ATP चैलेंज का खिताब का प्रतीक है, एक उपलब्धि जो भारत के शीर्ष क्रम में पुरुष एकल खिलाड़ी के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6वां क्वेश्चन क्या है, हाल ही में हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट होगा, भारत, ठीक है ना। भारत जो है हॉकी मेंस जूनियर कप 2025 की मेजबानी करेगा। अब बात है नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे नीति आयोग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, आशीष कुमार दास को नीति आयोग के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात है नीति आयोग की, तो नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं। और इसकी स्थापना की कब की गई थी, 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में गेल किस राज्य में भारत के सबसे बड़ी
के इथन क्रैकर परियोजना स्थापित करेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश राज्य। ठीक है ना, मध्य प्रदेश राज्य में भारत की सबसे बड़ी KTA ईथर क्रैकर परियोजना स्थापित करेगा। अब बात है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। CM कौन है? मोहन यादव। और गवर्नर कौन है? मंगूभाई चंकनभाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। केवल मध्य प्रदेश में 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से भारत की सबसे बड़ी ईथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करेगी, जो मध्य प्रदेश के सीहोर में 1500 KT ईथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की योजना बना रही है, जिसका अनुमानित पूंजित व्यय 60,000 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने ISA सदस्यता के लिए रूपरेखा समझौते की मंजूरी दे दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, नेपाल। अब बात है नेपाल की, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। CM कौन है? करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौंदेल। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्पा कमल दहाल यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब ISA यानी इंटरनेशनल सोलर एलियंस इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राइट होगा, शिल्पी अग्रवाल। ठीक है ना, शिल्पी अग्रवाल को अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। लखनऊ के सिटी मोंटेसरी स्कूल की शिक्षिका सुश्री शिल्पी अग्रवाल हाल ही में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल टीचर्स ओलंपियाड में रैंक वंग हासिल करने शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ATP रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट होगा, जैनिक सिनर जो कि ATP रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं। अब ATP यानी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन जैनिक सिनर ATP रैंकिंग में नंबर 1 पर काबिज होने वाले पहले इटालियन खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेम सिंह तमांग ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट होगा, सिक्किम। अब बात है सिक्किम की, तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या होगी? गंगटोक। राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद। और मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। ठीक है ना, अब सिक्किम में बौद्ध त्यौहार सागर तावा मनाया गया है। सिक्किम की AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली भी शुरू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति को एक विमान दुर्घटना से निधन हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट होगा, मलावी। ठीक है ना, मलावी जो गणराज्य है दक्षिण पूर्व अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक देश है। ठीक है ना, अब इसे पूर्व में न्यासालैंड भी कहा जाता था। अब बात है मलावी की, तो इसकी कैपिटल क्या होगी? मलावी की कैपिटल होगी लिलोंगवे यहाँ की कैपिटल है। करेंसी क्या है? मालेवियन क्वाचा यहाँ की करेंसी है। और प्रेसिडेंट कौन है? पीटर मुथारिका यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट में 100 करोड़ रुपए निवेश करेगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, राजस्थान। राजस्थान की बात है, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। CM कौन है? भजन लाल शर्मा। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक विशेष NRI सेल स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है ना,
आशा करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें व अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद।